मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में मनपा की तरफ से महिलाओं के लिए कोरोना की बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन का आयोजन किया था, जिसमें 18 साल से लेकर 44 साल तक महिलाओं ने टीकाकरण कराते हुए पहली डोज ली। दरअसल कई महिलाओं को ऑनलाइन कराने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ता था, जिसके बाद महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने पुरुषों के लिए अलग दिन और महिलाओं के लिए अलग दिन रखा था, जहां महिलाओं ने ऑफलाइन की सुविधा लेते हुए कई महिलाओं ने अपना टोकन लेकर पहला डोज कोविशील्ड का लाभ उठाया। पेश है मीरा भाईंदर से हमारी संवाददाता आकृति शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। आज फीमेल का है और जो मेल को अलग कर दिया गया है, कितना इफेक्ट गिर रहा है इसके ऊपर? इससे बहुत सारे इफेक्ट गिर रहे हैं, क्योंकि जो लेडीज अलग आती हैं और फीमेल मेल्स भी अलग आते हैं, क्योंकि क्यू में रहने के टाइम पे मेल्स और फीमेल दोनों का एक साथ रहते हैं, तो कई फीमेल्स को थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील होता है। अभी का आज खाली फीमेल्स के लिए तो वो खुले आम आ सकती है, सोशल डिस्टेंस भी अच्छे से मेंटेन हो रहा है, और कल भी मेल्स के लिए था तो उनको भी अलग से अपना सिक्योरेंसी फील होता है। वो कॉर्पोरेशन ने अच्छा किया है, आपको काम करने में कितनी आसानी हो रही है? बहुत आसानी हो रही है, क्योंकि उन लोगों ने ऑनलाइन भी करके आ रहे हैं, और जो जिनको ऑनलाइन नहीं किया है वो आज अच्छे से कोऑपरेट भी कर रहे हैं। थैंक यू मैडम। थैंक यू। मैं डॉक्टर सुकेशनी खंडेराव कटाले, आइडियल पार्क हेल्प हाउस से इंचार्ज हूँ। आज जो वैक्सीनेशन सेवन स्क्वायर और सब जगह पे हो रहा है, सिर्फ महिलाओं के लिए हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। महिलाएं जागरूक होकर अपने आप आ रही है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो भी आ रही है। दिक्कत ये हो रही है कि एक लोगों ने दो दो तीन तीन बार रजिस्ट्रेशन करके रखा है, इसके लिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, अदरवाइज सब स्मूथली चल रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। काम करने में तो सर बहुत आसानी हो रही है, पहले मेल और फीमेल का रहता था तो हम लोगों को दिक्कत होती थी, क्योंकि थोड़ा सा फीमेल आ जाना, ये थोड़ा सा डिस्टेंसिंग में भी प्रॉब्लम हो जाता था, लेकिन अभी फीमेल है तो सब लोग, कोई घर से नहीं निकलता है, वो भी कंफर्टेबल है फीमेल भी अभी, और मोस्ट प्रॉब्ली जो घर से नहीं निकलते वो भी आके तुरंत ले रहे हैं वैक्सीनेशन, उसमें कोई नहीं। और आज अच्छा किया है कि 18 अबो सब फीमेल को रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, सो दैट अबो 45 वाले भी उनमें आ सकते हैं। आज आइडियल पार्क हेल्प हाउस के अंडर 4 CVC है कोविड वैक्सीनेशन के, उसमें अप्पा साहेब मीनाताई में 800-800 का टारगेट है, और सेवन स्क्वायर और SUV में 600-600 का टारगेट दिया गया है। नियर अबाउट 36 CVC है अपने, उसमें तो 30,000 से ज़्यादा तक हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। मेरा नाम ज्योत्सना बंडे है, मैं आइडियल पार्क में प्रेस सेविका हूँ। महिला और पुरुष का सेशन अलग अलग रख रहे हैं, तो हम लोग को भी कंफर्टेबल है और महिलाओं को भी कंफर्टेबल है, क्योंकि लाइन में गर्दी नहीं होती है, या फिर महिला है तो एक दूसरे को समझ पाती है, किसी का छोटा बच्चा है घर पे तो दूसरे को आने देती है। एक जन है जो ऑलरेडी ऑनलाइन करके आती है, या फिर जो नहीं करती है वो हम लोग के पास आती है कि मैंने कुछ नहीं किया है मैडम, या फिर मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप खुद कीजिए, या फिर हम लोग के वेरीफाइड टीचर है, मैडम है, जो भी हो उनको मदद करते हैं और उनको इजीली करके देते हैं। ऐसा भी होता है कोई कोई दो दो बार भी रजिस्ट्रेशन कर देता है, कहीं प्रॉब्लम होता है तो उस चीज़ को भी आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? हाँ, अगर वो दो बार वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई तो एक ही बार होता है, अगर वो लोग ऑनलाइन दो बार करते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड पर, जो नंबर उनको मालूम है, जो नंबर उनका खुद के पास है, वही नंबर से हम लोग उनका नंबर लेके वही नंबर पे, चाहे आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, हम लोग वेरीफाई कर देते हैं। कहीं ना कहीं मेल फीमेल की वजह से आपको काम करने में आसानी हो रही है? हाँ हाँ हो रही है, क्योंकि जिस दिन मेल फीमेल रहते हैं उस दिन थोड़ा सा बहुत सारी घिसमिट भी होती है, या फिर लड़के लोग हैं वो सुबह से जल्दी आते हैं, और जिस दिन लेडीज का रखते हैं उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज भी कवर होती है, उनको भी कंफर्टेबल लगता है। जो फीमेल का डे था वैक्सीन के लिए, उसके बारे में क्या कहना आपका? अच्छा था, दर्द थोड़ा हुआ था बस, और कुछ नहीं। आज मेल नहीं है तो कहीं ना कहीं लाइन लगाने में आप लोगों को कितना सुविधाजनक रहा? अच्छा हुआ। आपको वैक्सीन लग गई? हाँ लग गई। तो काफी आसान रहा आपके? हाँ। थैंक यू।
मैडम आपका नाम क्या है और आज महिलाओं के लिए वैक्सीन दे रखा गया है, इसके बारे में क्या कहना है? मुझे बहुत अच्छा लगा वैक्सीन लगवा के, अच्छा था। आपको कितना दिन इंतजार करना पड़ा आज आपको वैक्सीन मिला? मतलब बहुत दिन, यानी कहीं ना कहीं अगर आज जो महिलाओं के लिए दिया गया है वैक्सीन आपका, ये आप लोग के लिए सुविधा रहा, अच्छा रहा? हाँ बहुत अच्छा रहा, कुछ नहीं बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह है, हम इजीली यहाँ, नहीं नहीं कोई नहीं, विद इन 10 मिनट्स हमारा आ गया है। इंतजार करना पड़ा फिर आज आपको वैक्सीन मिल रहा है? टाइम तो बहुत लग गया पर ठीक है। यानी महिलाओं का जो अलग से दिन रखा गया इसकी वजह से आपको जल्दी वैक्सीन मिल गया? बराबर, इंतजार नहीं करना पड़ा, फटाफट हो गया सर। एक्सपीरियंस था, इट वॉजेंट वेरी इवन डिफिकल्ट, हम लोग ने बहुत अच्छे से लाइन में हम लोग को अंदर लाया गया, कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, ना मेल ना फीमेल, हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिला गया और अच्छे से हमें वैक्सीनेटेड किया गया। अगर आज आप देखने जाएंगे तो मेल और फीमेल अलग अलग दिन दिया गया, तो कहीं ना कहीं कितना आसान हुआ आपको लाइन लगाने में और यहाँ पे वैक्सीन? हाँ हाँ, क्योंकि ज्यादा लंबी लाइन नहीं थी, हम लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, फटाफट हो गया वैक्सीनेशन और स्टाफ भी कोऑपरेटिंग था, एकदम अच्छे से हम लोग को कोऑपरेट किया और अच्छे से वैक्सीनेशन लगा दिया। थैंक यू। महिलाओं के लिए वैक्सीन दिया जा रहा है, पुरुषों के लिए कल था, आज महिलाओं के लिए, उसको क्या कहना आपका? मेरा नाम शशि है। हाँ कल जेंट्स के लिए दिया गया, आज हमारे लिए हो रहा है, लेडीज़ के लिए हो रहा है। लाइन में लगना इजी है और सिक्योरिटी है, सिक्योर हैं और धक्का मुक्की से बच जाते हैं, सब लेडीज़ हैं। और अच्छा बात यह है कि इतने लंबे टाइम के बाद अब इन्होंने रेजिडेंशियल लोगों के लिए खोल दिया है, तो अब हम सेफ फील कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि इन्होंने अलग अलग करा है, अदरवाइज झगड़े होते रहते हैं या फिर कोई आगे या पीछे रहता है। यानी कहीं ना कहीं पुरुष अलग महिलाओं का अलग होने से आप लोग को जल्दी वैक्सीन मिल जाएगा? बिल्कुल, काफी इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। हाँ जी, आपको कोई दिक्कत नहीं? प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिक्कत गिरा आज से? इट वॉज कम्फर्टेबल, ईजी था हम लोगों के लिए, सिर्फ थोड़ी देर वेट करना पड़ा नंबर का, टोकन सुबह मिल गया था। कहीं ना कहीं आज जो मेल फीमेल का जो किया गया है वो हाँ कंफर्टेबल है। तो मैडम लाइन लगाने कोई तकलीफ हुआ क्या? नो नॉट एट ऑल। जो मेल फीमेल का जो किया गया है डे वाइज वो कैसा रहा? इट वॉज वेरी इजी बिकॉज यू नो देर वर नो मेल्स एंड द फीमेल, ओनली फीमेल वर देर, सो इट वॉज इजी फॉर अस टू कम एंड यू नो। कहीं लाइन लगाने में आपको कोई असुविधा नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, सिर्फ लेडीज थी तो फिर प्रॉब्लम नहीं हुई। थैंक यू। ये जो फीमेल और मेल का जो किया गया है ये कितना इफेक्ट गिरा और कितना सही है? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर फीमेल को प्रायोरिटाइज किया गया है तो बहुत ही सही है, क्योंकि अभी लोग हम लोग ऑनलाइन स्लॉट मिल नहीं रहा है और यहाँ पे ऑफलाइन मिल रहा है, तो आई थिंक सो बहुत सही है। तो आप लोग को लाइन लगाने में कोई असुविधा? नहीं नहीं, कोई भी नहीं, ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे लोग, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, तो बहुत धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन बट फिर भी ठीक है, जल्दी जल्दी ये हो रहा है। फीमेल का आज डे होने से काफी आप लोगों को सुविधा लग रहा है? हाँ काफी पीसफुल है एक्चुअली, कोई ज्यादा है नहीं, ज्यादा भीड़ नहीं है, तो और सिर्फ फीमेल है तो बहुत कंफर्टेबल भी है एक्चुअली। सर यहाँ से जो भी रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे नाम उनका मोबाइल नंबर उम्र देखा जाता है कि कोई भी बिगर नाम मोबाइल के न जाए वहाँ पे वैक्सीनेशन, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं वो भी हम लोग देख के फिर उन्हें अंदर भेजते हैं। अभी तक कितने वैक्सीन हुए मैडम? अभी तक टोटली 279 हो चुके हैं।